हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यहाँ पे काम हो रहा है अभी। और आपको यहाँ पे बिल्डिंग बनने से लेकर शुरुआत से लेकर के लास्ट तक का पूरा अपडेट मैं दिखाऊंगा कि प्रोसीजर होता कैसे है बनने का। और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, जो फ्रेशर हैं और जो एक्सपीरियंस हैं दोनों के लिए। और देखिए, आप यहाँ पे अभी एक्सकवेशन वर्क हो रहा है, और आपको नॉलेज में यहाँ पे क्या दे सकता हूँ अभी के लिए, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो चीज़ होती है एक्सकवेशन टाइम में, वो होता है लोकेशन। लोकेशन आपको देखना है कि हमारी बिल्डिंग आ कहाँ से रही है, जिसमें आप दो कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करते हैं, उससे आप सेंटर पॉइंट डिसाइड करते हैं, उसके बाद आपका लेआउट होता है। जनरली जब इतना बड़ा आपका लेआउट होता है तो वो सर्वेयर के थ्रू होता है, टोटल स्टेशन लगता है उसमें। और सबसे ज़रूरी इसमें यही है कि आपको अभी लेवल डिसाइड करना है कि हमारा जो प्लिंथ लेवल होगा उससे कितना डीप जाना है, तो आपको वो चीज़ देखना होता है। और उसके बाद आपको देखना होता है कि आपका अलाइनमेंट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, डायगोनल में है आपका एक्सप्रेशन या नहीं है, और डीप कितना गए हैं, ज़्यादा तो नहीं चले गए हैं, वो आपको ड्राइंग से देख के पता चलेगा। तो स्पेशली आपको इस चैनल पे ये मिलने वाला है कि आपको प्रोसीजर क्या होता है ऑन साइट, क्या हम फॉलो करते हैं, और क्या क्या ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं, सारा कुछ मिलने वाला है शुरुआत से लेके अंत तक। अब जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है, जेसीबी चल रही है, बिल्कुल एक्सकवेशन बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग ऑटो लेवल मशीन लगा के इसका लेवल निकाल रहे हैं। लेबल इसलिए निकाला जाता है, कल को हम जब पीसीसी करना होगा तो एक लेबल में हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मटेरियल कहीं पे ज़्यादा लग रहा है कहीं पे कम लग रहा है, तो इसलिए हम एक लेबल इसको डिसाइड करेंगे। हमारा लेबल डिसाइड हो जाएगा, इससे वो पार्ट आता है ड्रेशिंग का, एक्सकवेशन के बाद जो हमारा पार्ट आता है वो ड्रेशिंग का पार्ट आता है। अभी तो हमारा एक्सकवेशन हो रहा है, एक्सकवेशन तो आपको पता ही हो जाएगा कि हाँ हमारा इतना एक्सकवेशन, जो ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो सिर्फ इतना होता है कि आपका लेबल कितना है प्लिंथ से, कितना आपको डीप जाना है, और दूसरी चीज़ होती है इसमें कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, उसका सेंटर मार्क करके तब आप जा करके उसके साइड से डिसाइड करते हो कि कहाँ तक एक्सकवेशन हमें करना है, कितना बड़ा हमारा एक्सकवेशन हो रहा है। क्योंकि इस पर बेसमेंट है इसलिए रिटेनिंग वॉल बनती है, कंबाइंड ड्राफ्ट होते हैं, तो इसलिए आपको बेसमेंट के लिए ये पूरा खुदाई हो रहा है। अभी लगभग अप्रॉक्स 6 मीटर का ये डीप है प्लिंथ लेवल से बिलो। तो आप देख सकते हैं अभी जो ये पॉइंट आपका यहाँ पे, ये भी ड्रेशिंग पार्ट अभी हुआ नहीं है, वो होता रहेगा, तो मैं आपको वीडियो वाइज वीडियो डालता रहूँगा। जैसे कि अभी ये आपका ड्रेशिंग होगा, उसके बाद पीसीसी प्लान होगा, पीसीसी प्लान के बाद आपका फुटिंग प्लान होगा, फुटिंग प्लान में आपका लेआउट्स होते हैं, आपका एंटी एटीटी ट्रीटमेंट होता है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, और वो सब बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने वाला है आपको। अभी एक्सकवेशन है तो ज़्यादा कुछ डिटेल इसमें नहीं बता सकता मैं अभी आपको, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस दो चीज़ आप देखना है इसमें, आपको लेवल सही है कि नहीं है, कितना डीप जाना है, आपका लोकेशन जहाँ पे बिल्डिंग आ रही है उसको आप एक रेफरेंस पॉइंट मान करके उसका सेंटर पॉइंट डिसाइड करिए, उसके बाद एक्सकवेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको जैसे प्लिंथ लेवल से 6 मीटर जाना है तो आप 6 मीटर एक आपको परमानेंट बेंच मार्क दिखाना होगा कहीं पर, और वहाँ से आप लेबल ट्रांसफ़र करके आप डीप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और वो जो एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है अंदर ज़्यादा सेट होकर रखा है, ये पार्ट है आपका, यहाँ पे आपका क्रेन लगता है। तो इसमें देखने वाली चीज़ ये होती है कि क्रेन हम जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा अंदर की तरफ होता है, थोड़ा अलग होता है लेआउट से, और वहाँ पे ध्यान बस इतना आपको देना है कि वहाँ पे कोई कॉलम नहीं आना चाहिए, कॉलम से हट के उसका फाउंडेशन बनाते हैं क्रेन लगाने के लिए, नहीं तो इन फर्दर वो दिक्कत कर देता है आपके लिए, क्योंकि क्रेन जब लगता है तो फिक्स हो जाता है हमेशा के लिए, वहीं लगा रहता है जब तक बिल्डिंग ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उसका एक बेस बनाना पड़ता है हमें। अभी इसमें देखिए डीवॉटरिंग हो रही है, क्योंकि नीचे से पानी सीप कर रहा है, नीचे से पानी आ रहा है तो लॉगिंग हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो उसे पानी में डीवॉटरिंग की जा रही है। वो देखिए पाइप लगा करके ग्रीन कलर की, वो देखिए ऊपर से, ये वीडियो काफ़ी दूर से बन रही है तो आपको मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा, जब मैं गड्ढे के नीचे जाऊंगा धीरे धीरे तो आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अभी एक्सकवेशन हो रहा है, आप बने रहेंगे इस चैनल के साथ में,
तो आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। टेस्ट सारे दिखाऊंगा मैं, कैसे होता है ऑन साइड, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, एक्सवेशन के बाद पीसीसी कैसे की जाती है, उसमें क्या ग्रेड लगते हैं, क्या रेशियो होता है, कैसे, एवरीथिंग आपको पता चलने वाला है। और साइड पे वर्क कैसे होता है, एक्चुअल में वर्क कैसे होता है आपको ये पता चलेगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं आपको ये पता चलेगा, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। और ये बन कहाँ पे रहा है आपको मैं लोकेशन बता दूँ, ये एक्चुअली बन रहा है लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लगभग अप्रॉक्स 206 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और ये इसका जो लोकेशन है ये आपका अमूल डेयरी पड़ता है लखनऊ में, उसके बगल में कैंसर हॉस्पिटल है, वो जो आपको दिख रहा है कैंसर हॉस्पिटल, ये बिल्डिंग जो दिख रही है इसी के जस्ट पीछे इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये देखिए मेरी साइड है, ये अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी AMU साइड का नाम है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है अभी। तो अगर आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में दिखाऊंगा आपको, पूरी बिल्डिंग तैयार होते तक मैं दिखाऊंगा आपको, लास्ट फिनिशिंग तक दिखाऊंगा आपको, समझ लीजिए कंप्लीट नॉलेज होने वाला है इसमें। लेआउट ड्राइंग हर चीज़ बताने वाला हूँ, कैसे लेआउट करना चाहिए, कैसे सेंटर सेंटर लाइन मार्क होती है, कैसे क्या उसमें ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। और ये सिर्फ मैं अपनी नॉलेज के लिए, मैं अपने तरीके से मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, और मुझे पता है कि लोग इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टार्टिंग में, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। एक्सवेशन टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि आपका लेवल नीचे ऊपर ना हो जाए बहुत ज़्यादा, कहीं 6 मीटर अगर प्लिंथ बिलो प्लिंथ अगर आपका 6 मीटर पे आपका PCC टॉप आ रहा है, तो कहीं आप ज़्यादा एक्सवेशन कर देंगे तो फिर से आपको बैक फिलिंग करके फिर उसको ड्रेसिंग करके फिर उसको कंपैक्ट करना पड़ता है। इसलिए आप फिलिंग देख करके करिए, आप एक्सवेशन जितना करिए उतना ही होना चाहिए, एक लेवल डिसाइड करके होना चाहिए। अगर थोड़ा रह भी जाता है 100 mm 200 mm तो कोशिश करिए और ड्रेसिंग में आपका सीट ठीक हो जाता है, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का फुल्का लेबल है को आपका मिसयूज़ है तो थोड़ा सा आपको ये देखना होगा। अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, अभी 10 दिन हुआ है वर्क स्टार्ट हुए, मोबिलाइजेशन का वर्क चल रहा है, इधर प्लांट लग चुका है और इनका साइड स्टोर है, उधर कैंटीन है, साइड ऑफिस उधर पीछे बना हुआ है, मतलब सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है आपको। ये जो लोग अभी काम कर रहे हैं इसके अंदर, ये क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी PCC होने वाली है इसका सरफेस डिसाइड कर रहे हैं कि एक लेबल में है कि नहीं है, इसलिए स्टाफ लगा करके ऑटो लेबल मशीन लगा करके इसको चेक कर रहे हैं कि हाँ हमारा ये एक्सवेशन एक लेबल में हो रहा है या नहीं। ऑटो लेबल मशीन यहाँ पर लगी हुई है, वो देखिए लड़का है ऑटो लेबल मशीन लगा, वो चेक कर रहा है, ये देखिए JCB वर्क कर रही है, और ये लोग यहाँ पे स्टाफ लेकर के जगह जगह चेक कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से यहाँ का वाटर लेवल थोड़ा ऊपर लग रहा है मुझे, पानी आ रहा है तो डी वाटरिंग हो रहा है। मे बी अभी इसकी ड्राइंग नहीं आई हुई है कंप्लीट, तो हो सकता है इसमें हमें वाटर प्रूफिंग भी करना पड़े, तो अगर वो होता है तो आपको वो भी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेंगी, पता चलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और डे बाय डे या वीक वाइज वीक मैं वीडियो डालता ही रहूँगा, जब भी कुछ नया वर्क होगा मैं डालूँगा वीडियो, और आपको बहुत कुछ पता चलेगा इसमें कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होती है, कैसे स्टील बाइंडिंग होती है, कैसे बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है ये EPC मोड में चल रहा है, EPC मोड का प्रोजेक्ट है। EPC का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, EPC मोड। EPC मोड में क्या होता है कि जब हमारा बिल बनता है तो वो स्टेज बाय स्टेज बनता है, और बिलिंग हमें आइटम क्वांटिटी वाइज नहीं बनाना होता है, स्टेज बाय स्टेज बनाना होता है। जैसे हमारा प्लिंथ फाउंडेशन हो गया तो एक बिल क्वांटिटी निकल आएगी, जो कि हमारा उसमें एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि कितना 5% निकलेगा या फिर 10% ऐसे, और उसके बाद आपका प्लिंथ लेवल पे आने के बाद फिर एक दूसरा स्टेज का बिल निकलता है। EPC मोड बोलते हैं इसको, आप सर्च करेंगे नेट पर आपको दिखेगा EPC मोड होता क्या है। इसमें सारा कुछ एंड कॉन्ट्रैक्टर के एंड से होता है, कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं, वो निगरानी रखते हैं काम को, और बाकी क्या बोलते हैं बस यही है। इसमें जो देखने वाली चीज़ें आप देख ही सकते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट है, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेशर के लिए ख़ास तौर पर। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, आपको नॉलेज डेली बाय डेली मिलेगा।
बढ़िया से, क्योंकि मैं भी एक साइड पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी इस साइड पे, तो मैं हर चीज़ दिखाऊंगा। एक छोटी सी चीज़ पता चलेगी आपको। अभी तो बहुत कुछ है नहीं, एक्सिबिशन ही हो रहा है। मैंने आपको बताया दिया इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या होती है, लेबल होता है, लोकेशन होता है। लेबल में हमें देखना है प्लिंथ से कितना नीचे हमारा राफ्ट जा रहा है, कितना नीचे पीछे से जा रहा है, एक्सिबिशन हमें उतना ही कराना है। पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ हमारा सेंटर पॉइंट डिसाइड करते हैं। सेंटर पॉइंट जो होता है इस पूरे बिल्डिंग का, जो सेंटर पॉइंट आएगा उससे हम कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देख लेते हैं कि हमारा सही एक्सिबिशन हो रहा है कि नहीं। बस दो चीज़, ये चीज़ आप सही रखेंगे तो आपका गड़बड़ नहीं होने वाला है। और एक्सिबिशन हमेशा थोड़ा सा लार्ज पोजीशन में करना चाहिए, क्योंकि जब एक्सिबिशन में हल्का सा बड़ा गड्ढा खुदता है तो दिक्कत कहाँ पे आती है आपको ना, अगर आप नीचे उतर के गड्ढे में चेक नहीं कर रहे हैं तो हमेशा एक्सिबिशन छोटा हो जाता है, अभी बाद में फिर आपको प्रॉब्लम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी ही पता चलेगी ना, जो ये लोग मिस्टेक करेंगे ना वो भी आपको पता चलती रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट हूँ, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको मैं हर चीज़ इनकी कमी भी दिखाऊंगा, इनके जो काम करने का तरीका है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने गलती अभी के लिए इन्होंने गलती क्या की थी, जो आपके लिए भी शायद बहुत आगे अच्छा रहेगा। इन्होंने क्या किया था कि जब इनका लेआउट करके एक्सिबिशन हो रहा था तो ये नीचे जा करके एक बार भी इन्होंने सर्वे सही से नहीं करवाया था, इसलिए इनका गड्ढा थोड़ा सा छोटा हो गया था। ऊपर ठीक था लेकिन नीचे जा करके छोटा हो गया, तो इन्होंने फिर से दोबारा चारों साइड इन्होंने कटवाना शुरू किया। तो कोई बात नहीं है, अभी इनका एक्सिबिशन पार्ट है, करने दो जो उनका, और क्या बोलते हैं, फिलहाल ठीक हो गया है। अब बाकी इसमें रैंप बनाया जाता है, रैंप इसलिए बनाया जाता है कि जेसीबी अंदर आकर के इसको ड्रेस करती है। और दूसरी चीज़ वर्किंग स्पेस लेके चला जाता है हमेशा हमेशा वर्किंग स्पेस। आपको इतने बड़े, जब आपके 6 मीटर का डीप गड्ढा हो रहा है तो आपको वर्किंग स्पेस हमेशा लेके चलना पड़ेगा, 3-3 मीटर चारों साइड, साइड से 3-3 मीटर साइड, बिल्डिंग जो साइड होता है साइड से 3-3 मीटर आपको वर्किंग स्पेस लेके चलना है। और आपको वर्किंग स्पेस से नीचे से लेकर के और टॉप 6 मीटर तक में आपको स्लोप बना देना है। स्लोप इसलिए बनाना है क्योंकि कल को अगर आदमी यहाँ पे नीचे काम करेंगे, वर्कर काम करेगा, तो मिट्टी जो है वो स्लाइड होकर के नीचे ना गिरे और किसी को इंजर्ड ना करे, क्योंकि कभी कभी हादसा ऐसा हो जाता है। सेफ्टी पर्पज़ से वर्किंग स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसकी खड़ी खुदाई करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल वर्टिकल अगर आप एक्सवेट करेंगे इसको, तो वो कोलैप्स हो जाता है, और होना ही होना है। अगर मशीनरी बगल से जा रही है तो कन्फर्म है गिरना है। तो कल को आपको स्टील अगर आप बांधे रहेंगे तो वो पूरा ढक जाता है, जिससे आपके लेबर चार्ज फिर से उसको सफाई में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इसीलिए हमेशा जो खुदाई की जाती है वो टैपर में होना चाहिए, जब आप बड़े लार्ज पे आप कर रहे हैं काम, तो बड़े हो या छोटा हो हमेशा थोड़ा सा टेपर होना चाहिए। जितना ही बड़ा होगा उतना ज़्यादा टेपर आपको करना पड़ेगा, जितना छोटा गड्ढा होगा उतना कम टेपर करना पड़ेगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अभी के लिए इतना ही है, जो इसमें जानने वाली चीज़ है मैंने बता दिया। टेपर खुदाई बहुत ज़रूरी होती है, टेपर अगर आप करेंगे तो आपका एक्सिबिशन जो है सेफ्टी पर्पज़ से बहुत अच्छा रहता है। इसको बोलते हैं सेफर साइड, इसको बोलते हैं वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस इनको लेके चलना, ये ईपीसी मोड में है इसलिए वर्किंग स्पेस का इनको फ़ायदा शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ईपीसी मोड में हमें स्टेज बाय स्टेज पेमेंट करना होता है। अगर यही क्या बोलते हैं बिल क्वांटिटी पे होता तो जितना ये एक वर्किंग स्पेस लेके एक्सवेट करते उसका भी क्वांटिटी का बिल इनको पैसा मिलता। ये है IS कोड में अपने, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।